तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्रिस द रेल पायलट पर। और मैं कृष्णा मीना आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ आज एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे, मैं आज बात करने वाला हूँ कि जो ALP की ज्वाइनिंग होती है उस टाइम तो कैंडिडेट को 6x6 मांगी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी आपने देखा होगा अक्सर ट्रेनों के जो लोको पायलट्स रहते हैं, बहुत से लोको पायलट्स चश्मा पहनते हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि बिना 6x6 भी हम लोको पायलट बन सकते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारी जो लोको पायलट की भर्ती होती है वह RRV ALP टेक्नीशियन के भर्ती के नाम से आती है, जिसमें कि अगर आपको लोको पायलट ही बनना है यानी कि ALP बनना है तो उसके लिए आपको आपका आई विज़न 6x6 होना कंपलसरी है, बिल्कुल मैंडेटरी है। यानी कि आप फॉर्म अप्लाई कर दोगे लेकिन जब आपका मेडिकल टेस्ट होगा तो उसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वह आपकी आइज़। अगर आपकी आइज़ 6x6 है तो बिल्कुल आप ALP के मेडिकल में फिट हो। तो 6x6 का तो मैंने आपको बता ही दिया था कि 6x6 क्या होता है। 6 मीटर की दूरी से 1 सेंटीमीटर का वर्ड देखना ही 6x6 कहलाता है। अगर आप 6 मीटर की दूरी से 1 सेंटीमीटर का वर्ड देख सकते हो तो आपकी आई बिल्कुल फिट है और आप ALP बन सकते हो। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि बहुत से लोको पायलट्स जो रहते हैं वे चश्मा पहने रहते हैं। तो क्या चश्मा पहन के हम 6x6 क्लियर कर सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। जब आपका मेडिकल होगा ALP की ज्वाइनिंग के लिए तो आपको बिना चश्मे से ही 6 मीटर की दूरी से 1 सेंटीमीटर का वर्ड देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप चश्मा पहनकर ALP का मेडिकल निकाल सकते हो। तो फिर कैसे संभव है कि कोई लोको पायलट चश्मा पहन के ट्रेन चला रहा है? तो दोस्तों, होता ये कि अगर आप एक बार रेलवे में एंटर कर जाते हो उसके बाद में अगर कोई भी ALP को या फिर लोको पायलट को आइस में कुछ भी प्रॉब्लम आती है या फिर आई साइट कम हो जाती है तो लोको पायलट्स का हर 4 साल में मेडिकल होता है। तो अगर उसमें कुछ दिक्कत लोको पायलट्स को होती है तो उनको चश्मा लग जाता है, लेकिन अक्सर ऐसा बहुत कम होता है और जो होता है उनको भी मतलब एज बढ़ने के कारण से होता है। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि कुछ लोको पायलट्स रहते हैं जो चश्मा पहने रहते हैं। तो बस यही कारण है कि जब उन्होंने ALP का मेडिकल दिया था उस टाइम वो बिल्कुल फिट थे, लेकिन बढ़ती एज के कारण या फिर कुछ भी आप कह सकते हो तो उसके कारण एक लोको पायलट की आई साइट कमज़ोर हो जाती है। तो इस वजह से उन्हें चश्मा अलाउ कर दिया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों यही है कि अगर आप एक बार ALP बन जाते हो और उसके बाद में अगर कुछ समय बाद आपकी आइस में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसका सॉल्यूशन भी निकल जाएगा और अगर आई साइट कम हो जाता है तो चश्मा भी लग जाता है। एंड इसके बाद में एक ये भी है कि अगर कुछ आइज में ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ जाए, वैसे ये होता नहीं है, इसका मैंने आज तक किसी लोको पायलट के मुंह से सुना नहीं है, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आई में आ जाए तो फिर क्या करते हैं कि रेलवे में ही उसको कुछ दूसरी पोस्ट दे देते हैं उस लोको पायलट को या ALP को। लेकिन ये बहुत ही कम होता है क्योंकि जिस इंसान की आई ALP के ज्वाइनिंग का समय 6x6 है तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा माइनर सा कुछ चेंज हो सकता है आई साइड में, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो बिल्कुल आप तैयारी करो और टेंशन बिल्कुल ना लो, बस आपको ALP के मेडिकल के समय 6x6 क्लियर करना है एंड उसके बाद में आइस का ध्यान तो रखना ही है क्योंकि आई इम्पोर्टेंट है हमारे लिए भी और ALP बनने के लिए भी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।